का संचालन नहीं होने की वजह से हजारों कैंटीन वालों और रेलवे कुलियों पर मंडरा रहा है संकट का बादल। पाली में वैश्विक कोरोना महामारी रेलवे स्टेशन मजदूरी करने वाले हजारों की तादाद में लोगों पर कहर बनकर टूटी है। अब इन लोगों पर रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। मार्च महीने से लगातार अब तक 5 बीते, ना तो प्रशासन द्वारा इनको कोई सहायता मिली, ना कोई खाद्य सामग्री, ना कोई आर्थिक सहायता। आज हालात ऐसे बनकर चुके हैं कि इनको 2 वक्त का भरपेट भोजन उपलब्ध करना और परिवार का पालन पोषण करना, उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करना मुश्किल हो गया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ट्रेनों का संचालन बंद है, जिस कारण इन कैंटीन वाले कुली स्टेशन पर, छोटे बड़े कैंटीन में बेड्स टैक्सी वालों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से कोई भी उनको सहायता नहीं मिलने के कारण हालात और भी विकट होते जा रहे हैं। प्रशासन बड़े बड़े दावे करता है, परंतु धरातल पर देखा जाए तो इन हजारों मजदूरों और कैंटीन वालों को लिया टैक्सी यूनियन वालों की सुनने वाला कोई नहीं, मात्र भगवान भरोसे। कोरोना महामारी में इन पर कहर बनकर टूटी है, रोजी रोटी के लिए धर धर की ठोकरें खाने को मजबूर है। एक महीने से रेलवे स्टेशन पे सब काम बंद पड़ा है और हम लोग कहाँ जावे, हमारे लिए सहायता करी जाए। हमारे यहाँ कम से कम 100 मजदूर है। क्या समस्या आ रही बीते मार्च महीनों से आपके यहाँ? स्टेशन बंद होने से, गाड़ियाँ बंद होने से आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? हमारे को ना तो हमारा घर का